ब्लैक बॉडी रेडिएशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 20वीं सदी के शुरू में क्लासिकल फिजिक्स को दो बड़े चैलेंजेस का सामना हुआ। उसमें सबसे पहला चैलेंज था आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील करती है वेरी हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी, हाई स्पीड या वेरी हाई स्पीड्स को एक्सप्लेन करने में मुकम्मल तौर पर फेल होगी। दूसरा जो मेन चैलेंज था वो ये था कि जब कुछ नई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स डेवलप होगी जिनके थ्रू सब एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी किया गया, तो सब एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे उनकी मोशन को एक्सप्लेन करने में भी क्लासिकल फिजिक्स मुकम्मल तौर पर फेल हो गई। तो आइए देखते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या है। ब्लैक बॉडी इज अ कैविटी विच एब्जॉर्ब्स ऑल दी रेडिएशंस एंटरिंग थ्रू इट बट अनेबल टू एमिट आर रिफ्लेक्ट एनी रेडिएशन। इस डेफिनेशन या ब्लैक बॉडी को एक डायग्राम के थ्रू भी समझा जा सकता है। अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें तो इस डायग्राम के अंदर आपको एक रेडिएशन इस कैविटी के अंदर एंटर होती हुई नज़र आ रही है। ये एंटर होने के बाद रिफ्लेक्ट होती है किसी और डायरेक्शन में, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर अनदर डायरेक्शन चली जाती है और फिर रिफ्लेक्ट होती है। ये इसी के अंदर घूमती रहती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है, लेकिन इस कैविटी से बाहर नहीं निकल पाती। तो ये एक स्कीमेटिक या कंसेप्चुअल डायग्राम है ब्लैक बॉडी की। तो ब्लैक बॉडी हम इस बॉडी को कह सकते हैं कि जो कि सारी की सारी रेडिएशन तो एब्जॉर्ब कर लेगी लेकिन कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगी। तो ब्लैक बॉडी का एक एक्सपेरिमेंटल कर्व प्लॉट किया गया टेम्परेचर और इंटेंसिटी के दरमियान। उस एक्सपेरिमेंटल कर्व को एक्सप्लेन करने में बहुत सारे लोग फेल हो गए। तो ये एक ऐसी बॉडी होगी जो सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसका जो रेडियंसी स्पेक्ट्रम है, या यूं कह लें कि जो इसका कर्व है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये मटेरियल की टाइप पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, या यूँ समझ लें जो मटेरियल की नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये ज़ीरो रिफ्लेक्शन और ज़ीरो ट्रांसमिशन शो करती है, यानी कि कोई भी रेडिएशन इसमें जो एंटर होती है वो ना तो इससे बाहर निकल पाएगी जो कैप्चर हो जाएगी, और ना ही इससे ट्रांसमिट हो पाएगी। तो आइए देखते हैं स्पेक्ट्रल रेडियंसी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स फॉर दी ब्लैक बॉडी। यानी हम वो कर्व देखते हैं जो ब्लैक बॉडी के लिए डिफरेंट टेम्परेचर्स पे प्लॉट किया गया। तो इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने कोशिश की, जिसमें वीन्स, स्टीफन, बोल्ट्समैन, रेलेजिन, ये सब लोग शामिल थे, लेकिन ये तमाम लोग इसको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। पार्शली तो एक्सप्लेन किया कुछ लोगों ने, जैसे अगर इस कर्व को देखा जाए, इस कर्व की बात की जाए, इस कर्व के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स, लाइक अगर 2000 केल्विन पे एक कर्व देखा जाए तो ये जो आपको ब्लू कलर का स्पॉट बना नज़र आ रहा है ये मैक्सिमम वेवलेंथ को शो कर रहा है। तो 2000 केल्विन पे इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है ऑलमोस्ट 1.2 और 1.3 माइक्रो मीटर के दरमियान। तो अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, 3000 केल्विन तक ले आते हैं, तो आप देखते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह से मज़ीद हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, 4000 केल्विन पे ले जाएं, तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी का जो प्लॉट है उस पर मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू और कम हो जाती है। तो यहाँ तक जो तमाम वैल्यूज़ थी वो इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही थी, देन इसके बियॉन्ड जो वैल्यूज़ हैं वो विजिबल रीजन में लाई करेंगे। अगर टेम्परेचर हम मज़ीद इंक्रीज़ कर दें, 5000 केल्विन पे ले जाएं, तो आप देखते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो और डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास वेवलेंथ है लैम्डा, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। वेवलेंथ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मीन्स लैम्डा इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो ये आपके सामने मैंने डिस्प्लेसमेंट लॉ लिखा है। इस लॉ के मुताबिक ये मैक्सिमम जो पीक वैल्यू है उसको तो एक्सप्लेन कर पा रहा है, लेकिन जो बाकी इसके अंदर अगर आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट वेवलेंथ्स की, ये सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन,
तो इस पीक वैल्यू से पहले या इस पीक वैल्यू के बाद ये यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि नॉन यूनिफॉर्म है, इसकी क्या रीज़न है, इसको किसी ने मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसी को अटेम्प्ट करते हुए फिर और प्लांक ने एक लॉ पेश किया जिसको हम नाम देते हैं प्लांक रेडियंसी लॉ या प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। अगर आप ये एनिमेशन देखें, ये आपको प्लॉट नज़र आ रहा है डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू अगर आप देखें, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू जो है एक लेस वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो उसके कंपैरिजन में आप इस कैविटी को भी देख सकते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर पे इसका कलर चेंज हो रहा है। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे कलर चेंज होना क्या शो कर रहा है कि इसमें से रेडिएशन एमिट हो रही है और उसकी जो रेडियंसी है वो डिफरेंट है। तो ये देखें आप, ब्लैक कलर से शुरू हो रहा है, फिर रेड में चेंज हुआ है, देन डिफरेंट कलर्स में ये डिफरेंट टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांक्स रेडिएशन लॉ। तो पहला जो ब्रेक थ्रू था मैक्स प्लांक ने वो इंट्रोड्यूस करवाया, वो था कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वांटम ऑफ एनर्जी। तो अपनी इस अटेम्प्ट में उसने जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के, उसको एक्सप्लेन करने की मुकम्मल कोशिश की। तो उसने जो पासुलेट पेश किया उसमें उसने डिस्क्रीटनेस क्वांटाइज्ड अमाउंट्स ऑफ द एनर्जी इस्तेमाल की। तो इस थ्योरी के मुताबिक अगर एनर्जी देखी जाए ब्लैक बॉडी की, तो उसके मुताबिक एनर्जी ई एन इज इक्वल टू एन एच न्यू है। अब इसमें ई एन के अंदर जो एन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, एन क्वांटाइजेशन की तरफ इशारा करता है, एच एक प्लांक कांस्टेंट है और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन को शो कर रही है। तो अगर रेडिएशन लॉ देखा जाए, ये प्लांक का रेडिएशन लॉ है जो कि क्वांटम को शो कर रहा है, जिसके अंदर ये अगर आप देखें एच ओवर एक्सपोनेंशियल एच न्यू ओवर के टी माइनस वन, तो ये प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसको कहा जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप क्लासिकल फिजिक्स की तरफ आ जाएं जिसमें रेलिजन फार्मूला है, तो रेलिजन फार्मूले के अंदर कोई ऐसी बात नहीं की गई, ये इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर बताता है, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। लेकिन उस टेम्परेचर से हट के जो कर्व के अंदर बाकी डिस्ट्रीब्यूशन है पीक वैल्यू से पहले या पीक वैल्यू के बाद, उसकी एक्सप्लेनेशन रिलीजन नहीं कर पा रहा। इसके कंपैरिजन में प्लांक ने इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के थ्रू मुकम्मल जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की रेडियंसी कर्व को एक्सप्लेन किया। तो प्लांक का ही वो आइडिया था जिसने एक एवलांच या ट्रिगर किया न्यू डिस्कवरीज पे, न्यू डिस्कवरीज की तरफ के लोग इसमें मजीद कोशिश करें इसको एक्सप्लेन करने के लिए। प्लांक रेडिएशन लॉ को जब एटम्स पर अप्लाई किया गया, तो हम देखते हैं कि एटम्स के लिए भी ये बिल्कुल ठीक साबित होता है, यानी कि प्लांक लॉ इज आल्सो ट्रू फॉर द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। तो प्लांक के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम से निकलने वाली रेडिएशन या किसी भी चीज़ से, उसने बेसिकली ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन किया था, ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन या एटम से निकलने वाली जो रेडिएशन है वो कंटिन्यूस वैल्यूज़ की बजाय उसकी वैल्यूज़ डिस्क्रीट होंगी। तो उसके मुताबिक जो एनर्जी है किसी एटम की वो कितनी होती है, एनर्जी होती है ई एन इज इक्वल टू एन एच न्यू। यहाँ पर एन, मैं दोबारा बताता चलूँ कि एन बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक फैक्टर है। एन बेसिकली क्वांटाइजेशन या डिस्क्रीटनेस को शो करता है। एन एक इंटीजर नंबर होगा, तो इंटीजर नंबर की वैल्यूज़ पॉसिबल हैं एन इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन। तो इसका एक्सपेरिमेंटल जब एक स्पेक्ट्रम देखा जाता है फॉर हाइड्रोजन एंड आयरन, तो यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के अंदर आपको ये कुछ लाइंस मिल रही हैं। पहली रेड लाइन है, ठीक है, फिर टेन है, फिर ब्लू है, वायलेट है, तो इस तरह डिफरेंट कलर की लाइंस मिल रही हैं। उनके दरमियान जो गैप है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, गैप बेसिकली डिस्क्रीटनेस को शो कर रहा है कि हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूज होने की बजाय डिस्क्रीट है, यानी कि हाइड्रोजन एटम की जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ही हो सकती है। और इसी तरह से आयरन में भी देखा जा सकता है, पहले कुछ लाइनें शो हो रही हैं फॉर द रेड कलर, देन ऑरेंज एंड देन डिफरेंट कलर्स। तो इन कलर्स से क्या पता चल रहा है, इन कलर्स या ये जो दरमियान में गैप है ये भी डिस्क्रीटनेस ऑफ द स्पेक्ट्रम को ही शो कर रहा है।
प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ना सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करता है बल्कि लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को भी एक्सप्लेन करता है। अगर हम बात करें लो फ्रीक्वेंसी की, तो हम देखते हैं प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर जो एक फैक्टर है एक्सपोनेंशियल फैक्टर, वो आप देख सकते हैं कि वो एक्सपोनेंशियल फैक्टर अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस एच न्यू ओवर के टी में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें अगर आप देखें जो हाई फ्रीक्वेंसी की टर्म्स हैं, हाई ऑर्डर टर्म्स, वो हमने इग्नोर कर दी हैं, तो जो प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्लासिकल जो फार्मूला है रेलिजीन का फार्मूला, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं इंटेंसिटी जो है इसके अंदर, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये अप्रॉक्सीमेटली के टी के ही इक्वल बन जाता है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो रिलीजन और प्लांक्स ला है उनके दरमियान एक रिलेशन है। तो लो फ्रीक्वेंसी पे प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन ला क्लासिकल केस की तरह ही बिहेव करता है।